अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा मार। आज हम बात करने जा रहे हैं टूरिज्म पे। अभी तक पाकिस्तान में टूरिज्म का रेशो उस हद तक नहीं बढ़ा जिस तरह बाकी मुल्कों में बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत है और हमें क्या इकदाम करने चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि टूरिज्म बहुत सारे कंट्रीज में लोग कर रहे होते हैं, लोग प्लान्स करते हैं अपने हॉलीडेज़ पे जाने का जब वो थक जाते हैं काम से, तो हमारे पाकिस्तान में वो रेट नहीं है टूरिज्म का, तो हमें इसके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, इसकी रेशो को? देखें, इकदाम तो स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। Exactly. सबसे पहले गवर्नमेंट को देखिए, लोकल टूरिज्म तो होती रहती है, नेशनल टूरिज्म होती रहती है, मगर उसमें क्या, देखें अब जब गर्मियां आती हैं या सर्दियां आती हैं, स्नोफॉल के लिए लोग आते हैं, तो हमारे जो ऊपर एरियाज हैं हमने सबको एक जगह कंजस्टेड कर दिया है। स्पॉट्स बड़े बहुत कम रखे हुए हैं जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्नोफॉल देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुख जो है ना वो मरी की तरफ होगा, या जो है वो गलियात में एक दो मकामात है जिसपे जाने के। हालांकि हमारे पास 50 और ऐसे मकामात हैं जिसमें मगर फैसिलिटी देनी है। अब वहाँ पे होटल्स बनने हैं या वहाँ पे, एक तो एक जगह पे आप जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है। अब मरी में जाएँ तो आपको ऐसा लगता है एक सिटी में आ गए हैं, जो उसकी खूबसूरती थी पहले वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके बजाय डिस्पर्स कर दे, उसके बाद फिर उनकी ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो जाता है, वहाँ पे पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, उसके अलावा दूसरे हज़ार चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको डिस्पर्स करके डिफरेंट डाइवर्ट करके मुख्तलिफ जगह दे दें कि आप इधर भी जा सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से अंगूरी का एक रास्ता है जो मरी की तरफ जाते हुए, ठीक है, वो मरी के बैक साइड पर आता है, ठीक है, वहाँ उसका रोड अगर ठीक हो जाए तो बहुत से लोग डाइवर्ट करके उधर भी जा सकते हैं, वहाँ के लोगों का भी रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ पे भी लोग आएंगे, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ होंगी तो ज़्यादा लोग जाएंगे। अब चेयर लिफ्ट इस तरह है कि आप अगर वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है तो दो ऐसे स्पॉट्स हैं मरी से जहाँ पे चेयर लिफ्ट के थ्रू, मतलब नीचे गाड़ियाँ खड़ी हों और बाराकाओ के साइड पर, ये फिजिबल है, फिजिबिलिटी भी बनी हुई इसकी, वहाँ से आप चेयर लिफ्ट के थ्रू मूवमेंट कर सकते हैं। एक तो आपको व्यू ज़्यादा नज़र आएगा और दूसरा जो लोगों की तादाद एक ही जगह जमघट्टा जो बन जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो वो चीज़ होनी है। उसके बाद फैसिलिटीज़ देनी है, असल चीज़ है इंटरनेशनल टूरिज़्म, यानी कि इंटरनेशनल लोगों का रुझान पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करना, उनको वो स्पॉट्स बताना, ठीक है, और उनको ये इत्मीनान देना और उसको प्रमोशन देना कि वो इस तरफ आएँ और यहाँ पर विज़िट करें, वो चीज़ ज़रूरी है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनका 50% है, मोर देन 50%, इवन 70-80% हमारे एशिया में ऐसे ममालिक हैं जो 70-80% उनके डिपेंडेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे ही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उस जैसे खूबसूरत हमारे पास जो एरियाज हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। देखिए, रेगिस्तान देखना है तो यहाँ पे अवेलेबल है, कोई आपको खुश पहाड़ देखना है और एक एरियाज देखनी है वो अवेलेबल है, अगर आपको ग्रीनरी लश ग्रीन चाहिए वो अवेलेबल है, आपको दरिया में चाहिए वो अवेलेबल। ओल्ड ऐसे जो जिसके लोग शौकीन है कि भाई कोई आसार कदीमा, हिस्टोरिकल आसार कदीमा वगैरह, वो मौजूद है काफ़ी सारे। आप फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, योग को जाते वक्त जब आप जाते हैं डी आई खान से योग की तरफ, यहाँ पे तख्त सुलेमान, एक अगर यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर ये किसी भी एक मुल्क में आप इसको कैश करना शुरू कर देना, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से कोई 0.1% लोगों को भी नहीं पता कि वहाँ पे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मौजूद है वहाँ पे, जो वहाँ पे सारे लोग कहते हैं, और वहाँ पे जब आप बहुत बड़ा सा एक तख्त वहाँ सही क्लियरली विजिबल स्टोन से बना हुआ तख्त बना हुआ है जो इंसान नहीं बना सकता, इस किस्म के वहाँ पर एक तख्त बना हुआ है, सिर्फ इस चीज़ को आप कैश कर दें और वहाँ से जो व्यू है, ये चीजें हमें नहीं पता होती, इवन ये मुझे भी नहीं पता, तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बारे में, देखें ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। देखिए, प्रैक्टिस होती है, आप कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट करें और वहां पे ले जाएं, कोई प्रोग्राम करें, हमारी मीडिया भी सोई हुई है सारी की सारी, ठीक है, नेगेटिव चीजें दिखा, हाँ, पॉजिटिव चीजें देखें, अब वो चीज आप दिखा दें, यू कैन नॉट इमेजिन, वहां से जो व्यू है आप सोच भी नहीं सकते। आपका जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जरा गूगल करके देख लें कि वहां से कौन सा व्यू है, आप इतने लोग वहाँ पे विजिट करेंगे कि अब वहाँ के इलाके के लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह कितने मैरूज हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, मैं खुद कितनी जगह पे ऐसे विजिट कर चुका हूँ जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को नहीं पता था, जो उन्होंने स्पॉट्स मिस किए हुए थे उन्होंने बताया नहीं है,
यहाँ पे मसला एक है कि मैनेजमेंट नहीं है, अगेन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। यानी कि आप नारान में चले जाएं, अब नारान नारान है इन वो टूरिज्म जगह तो नहीं है, वहाँ पे होटल्स ही होटल्स। अब उसके बीच में देर आर 100 अदर पॉइंट्स दाएं बाएं जहाँ पे आप डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि वो खूबसूरती डैमेज ना हो। लोग किस लिए जाते हैं? इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आपको राजा बाजार वाला रश मिलेगा तो आप क्या एंजॉय कर सकेंगे? अच्छा सर, हम अपनी नेबर्स कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में 9.2% रेशो है टूरिज्म की, हमारे से कई गुना ज़्यादा। और इंडिया के 8.1% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की बिजनेस की वजह से एम्प्लॉयड है। तो क्या हम लोग भी इस चीज़ की वजह से अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा कर सकते हैं इससे, बल्कि इकोनॉमी भी हम बहुत अच्छी कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखें, बात सुने, कौन सी ऐसी चीज़ है पूरी वर्ल्ड में जो अवेलेबल है जो हमारे पास नहीं है? सब कुछ होने के बाद आप लोगों ने हमारा, मैंने फिर वही बात आ जाती है कि हमारा इमेज इतना ख़राब किया हुआ है कि मैंने जो आपको पहले भी एक ऐसा किया था कि मेरे दोस्त कोटा रहे थे तो वो सोचे थे पता नहीं क्या। अब यही चीज़ आप लोगों ने प्रमोशन देनी है, आप लोगों ने, आप इंडिया की बात कर रही हैं, आप जरा उनके ऐड चेक कर लें कि कितने दिन में कितने ऐड चलते हैं। जो गुजरात वाले हैं वो अपना ऐड देते हैं, जो पुणे वाले वो अपना ऐड देते हैं, और क्या कुछ करते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ मोटिवेशन है, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, ठीक है, और प्रमोट करते हैं। यूट्यूबर्स वहाँ पे जाते हैं, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे कितने यूट्यूबर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जो आया अब नेगेटिविटी को, नेगेटिविटी में प्रमोट कर रहे होते हैं, और फिर कौन आएगा आपको सबसे पहले? और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप किसी जगह को टूरिज्म के लिए ओपन कर रहे हैं, यू शुड नो कि यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, कितनी होटल्स की परमिशन जारी होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उनके लिए पानी का निज़ाम कैसा होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आप गैस प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रिक्टली मना करें, वहाँ पे इतना निज़ाम हो कि एलपीजी के अलावा वहाँ पे कोई भी बंदा लकड़ी इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैनेजमेंट साथ साथ मैनेजमेंट कर दें, फिर आप टूरिज्म देख लें, जिस जितना परसेंट आप कह रहे हैं उसे दुगना तिगना कर सकते हैं विद इन मंथ्स। बिल्कुल ऐसे ही सर, पाकिस्तान की जो टूरिज्म रेट है 2016 के मुताबिक इट इज़ $7.6 billion उन्होंने जो है इसको अर्न किया है टूरिज्म से। और हम लोगों की गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक पाकिस्तान जो है $9.5 billion जो है कंट्रीब्यूट करेगा टूरिज्म पे। तो इसको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है जो इकदाम ऑलरेडी हो चुके हैं क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ है हमें? अब सिर्फ एक चीज़ करते हैं, जो हम पेपर पे लिखते हैं ना, जो कुछ लिख चुके हैं सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट कर दें रियल में, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिर्फ जो पेपर में हम लिख चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दें। हमने कहा हुआ है, पता है जब आप गिलगित जाते हो, जीबी जाते हो, आपकी सोच से भी ज़्यादा, देर आर मोर देन थाउजेंड प्लेसेस जो डिस्कवर्ड नहीं हैं, जहाँ पर लोग नहीं गए। मैंने आपको कहा कि मेरी ऐसे स्पॉट्स पर मैं गया हुआ हूँ जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में उसमें उनको खुद नहीं पता, डिस्कवर नहीं हुए, लोगों को पता है लोकल। आप उस चीज़ को सिर्फ जेबी को कैश करना शुरू कर दें, जस्ट जेबी को, स्वाद को ले लें, जेबी को ले लें, ठीक है, इन एरियाज़ को ले लें, और उसके बाद फिर आप देखें कि आप कर रहे हैं। सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये किसका सेफ्टी होनी चाहिए ना। आप देखो, आप देखें, आप कुम्हराट जाते हैं, लोगों ने नाम सुना हुआ, कुम्हराट जाते हैं, क्या है इस कुम्हराट में, कौन सी सेफ्टी है? कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे कि कुम्हराट में आए, ठीक है। अब आपको पता है कि हुंजा वगैरह इसमें लोग क्यों जाते हैं? दे फील सेफ बिकॉज कम्युनिटी ने ये अश्योरेंस किया है अपने लोगों को। हमारे लोगों को चाहिए कि अपने एरियाज को इतना सिक्योर रखें, इतना सेफ रखें, और लूटे ना। और फिर आप देखें कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से क्या कुछ, कितना टूरिज्म आता है, आप देख भी सोच भी नहीं सकती। और इतनी सर हमारी, हमने देखा है कि आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वो टूरिज्म से ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अपनी अच्छी करती हैं, बिजनेस ज़्यादा टूरिज्म से ही। देखें, रिसेशन नहीं आता टूरिज्म में, कोई डिप्रेशन में जाएगा वो टूरिज्म भी जाएगा, किसको टेंशन होगी वो जाएगा, कोई खुश होगा तब भी जाएगा। सर, लोग हर साल हॉलीडेज मनाने जाते हैं अपने बच्चों के साथ ये वो, लेकिन हम लोगों को अवेयर करना चाहिए लोगों को कि वो बाहर जाने की बजाय, इवन पाकिस्तानीज भी हम जो है पाकिस्तान में हॉलीडे मनाने की बजाय बाहर का प्लान करते हैं। हाँ, वो तुम्हें काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है, इनसिक्योरिटी का। एक तो हमारे लोगों को पता नहीं, मुझसे एक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आस्किंग के मालदीव जाते हैं, तो मैंने कहा, उससे पूछा तो मैंने कहा हमने ग्वादर विजिट किया, ठीक है। अब उसकी
मेरा क्वेश्चन ठीक पर उसका जवाब जो था वो भी ठीक था। उसने कहा कि क्या आपको गवादर में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है? ठीक है, तो नहीं है। अब आप सिर्फ गवादर को फैसिलिटेट करें, दुबई से 10 गुना एरिया वाइज, 10 गुना खूबसूरती वाइज और 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल ऑलरेडी है, सिर्फ उसको मैनेज करना है। पानी नहीं है exactly. सबसे जो बुनियादी चीज़ पानी नहीं है। कितना कितना ये खर्चा आएगा अगर आप वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के पानी यूज़ करें? ठीक है, और कितने आप जितना मेंटेन कर सकते एटलीस्ट उतना तो मैनेजमेंट लेके आए, उतने तो लोगों के लिए अवेल करें। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका सीज़न तो नहीं है कि एक महीना है, वो तो 12 महीनों का सीज़न है, किसी टाइम भी आप जा सकते हो। तो लोग जाएंगे, आप उसके गडानी देख लें, अगर बीच की तरफ जाते हो गडानी देख लें, आप गडानी को ज़रा सा सिक्योर करके और उसको ज़रा फैसिलिटेशन दे के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि गडानी से आप कितना उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं रेगिस्तानी, आपको शोज़ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रैलियाँ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है ना एक डिफरेंट किस्म इवेंट्स मैनेजमेंट वहाँ पे करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को आप उस मैनेजमेंट के थ्रू या इवेंट के थ्रू वहाँ पे लेके आएँ। एक दफ़ा आप विजिट उन खुद आप करवा के दें, उनको बुलाएं एडवर्टाइजमेंट का, उसके बाद आपका काम खत्म, फिर लोग देखेंगे। हमारे पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी है। अब मैं हम अगर देखें यूएई की तरफ जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2016 का मैं आपको बताऊं तो $18.7 बिलियन उन्होंने टूरिज्म से बिजनेस किया है और उनका सब कुछ आर्टिफिशियल है ऑलमोस्ट जी। तो हमारी नेचुरल ब्यूटी जो है इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल जो है हम इससे कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे टूरिज्म स्पॉट्स पे हमें बिल्कुल आवाम को तमीज़ नहीं है कि कैसे उनको यूज़ करना है। गंदगी बहुत फैलाते हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने वहाँ जाना है तो उसको किस तरह साफ रखना है। तो ये भी एक बड़ा मसला। सोशल मीडिया पे एक आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो मेरे ख्याल से अपारा साइड पे जो एक आई डोंट नो फॉरगेटिंग इज द कंट्री नेम, जिसमें उसके सफीर और उसके बेटे सफाई कर रहे हैं, okay. कचरा उठा रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं सेम टाइम पे वो पता नहीं कोई मेरे ख्याल से कुछ कहा के उसके बाद कचरा फेंका तो उसने उठाया। अब ये तो हमारी सर, ये हमें क्यों अवेयरनेस नहीं है, हम अपने ही मुल्क को अपनी नेचुरल ब्यूटी को गंदा। असल में आप एक काम करें ना, आपको एक सोशल ऐड के थ्रू और ऐसे मजाया या तंजिया आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जिसको करते हुए लोगों को शर्म आए। कभी कभार आपको अक्रॉस द लाइन भी जाना पड़ता है लोगों को समझाने के। लेकिन सर हम लोग इन चीज़ों पे भी अगर कोई टूरिज्म स्पॉट गंदा होता है हम इस पे हुकूमत को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसमें 90% जो है हमारा आवाम का हाथ होता है, क्योंकि इसमें तो हमें भी सेंस होनी चाहिए ना कि हमने अपने होना तो चाहिए। अब है नहीं, अब देखें मैं कह रहा हूँ, देखें बात सुने, आप अगर वहाँ पर कोई खड़ा हो, ठीक है, स्टार्टिंग कर लें, ठीक है, आप हायर कर लें 3-4 बंदा, कोई भी गिरा है तो उसको पहले आवाज़ दे के एक्सक्यूज़ मी डस्टबिन में डाल दें। आप एक महीना ये फार्मूला अपना के देखें, फिर मैं देखता हूँ कि कौन फेंकता है, क्योंकि एम्बेरसमेंट भी होती है ना, आपको एक दफ़ा कहा जाएगा आप दूसरी दफ़ा किसी और जगह। सर यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम को एम्बेरसमेंट भी नहीं होती। नहीं वो देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल 100% लोगों में से आप उसको करते हैं और 20% लोग सुधर जाते हैं तो इस बहुत, बहुत बड़ी चेंज है, और स्लोली ग्रेजुअली उसको देखते देखते आप देखते हैं। अब आप ये देखें ना, बाहर यही पाकिस्तानी आवाम जब बाहर जाती है, जब वहाँ पे कोई कचरा नहीं फेंक रहा होता तो शर्म के मारे ये भी कचरा नहीं फेंकते। ऐसा ही है, बाहर नहीं करते गंदा, अपने ही मुल्क को। ठीक है, मैंने ये फार्मूला अपनाया हुआ F9 पार्क में मैं बैठा हुआ था, मैं हम जो वॉक कर रहे थे तो मैंने अपनी डस्टबिन जो मेरे फ्रंट पे जा रहे थे जो बंदा, उसने चिंगम खाया और फेंक दिया रेफर, मैंने उसके सामने उसका रेफर उठा लिया और अपना रेफर भी जो है ना वो डस्टबिन में डाला। आई एम डैम श्योर कि एटलीस्ट महीने तक वो कहीं भी कचरा हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। तो आप अगर कुछ इस तरह के सोशल कॉज इस तरह है जिसमें जो लोग समझते हैं और ये कहते हैं कि होना चाहिए, हमें ये फ़र्ज निभाना चाहिए कि वहाँ पे जाएं और इस तरह के अरकात करें और इस तरह की कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करें जिससे लोगों को पता चले। फॉर एग्जांपल अगर कोई कचरे फेंक रहा है तो आप उसके सामने जाएं और उनको कहें कि यार इतना दूर तो नहीं, वो सामने डस्टबिन पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे क्यों नहीं गिरा रहे हैं, और उसके सामने उठाएं और लेके जाएं। आई एम डैम श्योर आइंदा वो कभी भी नहीं कराएगा, वो उधर लेके जाए। ठीक है सर, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम जो है एंड की तरफ लेके जाते हैं और हमारे आवाम को यही मैसेज है कि अपने मुल्क को खुद साफ रखें, तभी कोई दूसरा अगर आएगा तो वो साफ रखेगा। और नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।